यदि आपने किसी ज़मीन की, किसी प्लॉट की, किसी घर की वर्षों पहले या कुछ पहले रजिस्ट्री कराई है, तो क्या वह रजिस्ट्री, जिसे बैनामा भी बोल सकते हैं, तो क्या वह बैनामा रजिस्ट्री जो है वो कैंसिल हो सकती है? तो जी हाँ, हो सकती है। एक व्यक्ति का प्रश्न था, हमने 10 साल पहले कोई रजिस्ट्री कराई, तो क्या उस रजिस्ट्री को दावा किया जा सकता है, क्या उस रजिस्ट्री को कैंसिल किया जा सकता है? तो जी हाँ, किया जा सकता है। लेकिन हम बताएंगे कि बैनामा जो भी आपकी रजिस्ट्री है वो किन कंडीशंस में कैंसिल होगी, कैंसिल करने का अधिकार किसको है, और बैनामा जो है वो कब तक वैलिड रहता है, सभी प्रश्नों के जवाब दूंगा। इससे पहले मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करें। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि ज़मीन के बैनामा कैंसिल कब होंगे। देखिए, कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहले मैं आपको कंडीशंस बता दूं कि यदि मान लीजिए आपने कोई भी बैनामा कराया है और यदि वहाँ पे उसके पैसे नहीं दिए, कोई भी प्रतिफल नहीं दिया है, तो वहाँ पे बैनामा जो है वो कैंसिल हो सकता है। यदि विपक्ष जो है, जिसने आपको बैनामा कैंसिलेशन के लिए चैलेंज किया है, वो ये प्रूफ कर दे कि आपने उसके पैसे नहीं दिए, तो आपकी जो भी रजिस्ट्री है वो कैंसिल हो सकती है। दूसरी बात मैं बता दूं, यदि मान लीजिए बैनामा करने वाला कोई अवयस्क व्यक्ति है, जब वो नाबालिग है और उसने बैनामा कर दिया, तो वो रजिस्ट्री 10 साल बाद भी खारिज हो सकती है, 15 साल बाद भी खारिज हो सकती है। इस तथ्य को लेकर कि जिस व्यक्ति ने आपको रजिस्ट्री बैनामा की थी जमीन की, वो तब अवयस्क नाबालिग था, ठीक है, बशर्ते उस व्यक्ति को प्रूफ करना पड़ेगा जब उसने रजिस्ट्री की तो वह नाबालिग था। तीसरी जो है, पागल व्यक्ति, यदि मान लीजिए आपने पागल व्यक्ति से भी रजिस्ट्री करा ली है, तो भी वह निरस्त हो सकती है। यदि विपक्ष ये सबूत दे देता है, पुख्ता सबूत दे देता है कि वह रजिस्ट्री के समय पागल था, या मान लीजिए पागल व्यक्ति से रजिस्ट्री करा ली गई है। चौथा जो कंडीशंस है वो यही है कि यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को ज़मीन बेचने का अधिकार नहीं है और उसने रजिस्ट्री कर दी, तो भी कैंसिल होगी। यदि मान लीजिए उसने उस ज़मीन की दोबारा रजिस्ट्री कर दी, तो दोबारा वाली रजिस्ट्री भी कैंसिल हो सकती है। ये तो हो गए कि बैनामा कब कैंसिल होगा। देखिए, ये जो भी मैंने कंडीशंस बता दी, चाहे आपका आज बैनामा हुआ हो, चाहे 5 साल बाद बैनामा हुआ हो, यदि आपके बैनामा में वास्तविक त्रुटि थी, वास्तविक कोई कानून की अनदेखा किया गया था कोई कानून, और कोई भी किसी कानून को मान लीजिए दरकिनार करते हुए यदि मान लीजिए आपने बैनामा कराया, तो वहाँ पे हमेशा आपको भविष्य में समस्या आ सकती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि बैनामा कैंसिल करने का प्रोसेस क्या है, और बैनामा जो है कौन कैंसिल कर सकता है, वो भी मैं आपको बता दूं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बैनामा कैंसिल करने का प्रोसेस है, यदि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को फर्जी बैनामा, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने फर्जी बैनामा करा लिया है, तो सबसे पहले आपको तहसीलदार के यहाँ जाना चाहिए, दाखिल खारिज रुकवाने के लिए एक प्रार्थना पत्र देना चाहिए। उसके बाद आपको जिला न्यायालय, जो सिविल न्यायालय है, वहाँ पर आपको केस करना चाहिए उस रजिस्ट्री को लेकर। जो भी जिला जज है वहाँ आप केस कर सकते हैं, और जिला न्यायालय को यह पावर होता है कि वो रजिस्ट्री चाहे तो खारिज कर सकता है। यदि उसे पर्याप्त सबूत मिल रहे हैं कि रजिस्ट्री जो है वो अवैध है, तो जिला जज जो है, जिला न्यायालय जो है, वो खारिज कर सकता है। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई लोग कहते हैं क्या SDM, DM या मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर रजिस्ट्री को खारिज कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं कर सकते। यदि आप ये सोच रहे हैं कि कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या SDM, रजिस्ट्रार, उप रजिस्ट्रार या पुलिस कमिश्नर रजिस्ट्री को आपकी खारिज करवा सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं खारिज करवा सकते। यदि आपकी एक बार रजिस्ट्री संपन्न हो गई, तो रजिस्ट्री खारिज करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ जिला न्यायालय को ही है। देखिए, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट में पूछें, और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन दबा दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।